व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल गाइस। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो लेके आ चुके हैं। वीडियो लेट आने के लिए सॉरी है, बिकॉज समवन रीजन गाइस नहीं बना पाई वीडियो। तो आप इस वीडियो को एंजॉय करो, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जल्दी से भाई 8000 हमारे कम्प्लीट हो चुके हैं, तो अब चलते हैं 9000 पे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही मजेदार लेके आ चुके हैं। वीडियो होने वाली है भाई, टाइटल जो है इसका, वैसे तो 24K गोल्डन मोड है, मतलब वैसे ये है टिकटॉक की, मतलब टिकटॉक फ्री फायर की, मतलब कॉमेडी वीडियो भाई, बहुत मजेदार होने वाली ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि टाइटल नहीं था तो टाइटल क्या डाले, वो हो जाएगा अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत ही नहीं है। वीडियो को एंजॉय करना। और प्रो गेमर हिंदी यूट्यूब चैनल से ये वीडियो है। ठीक है, ओरिजिनल वीडियो को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, हम भी एंजॉय करते हैं। चलो साथ में देखते हैं, तब तक मिलते हैं लास्ट लेट्स गो। I hate you. I really hate you. Not a problem. Got someone already. देखो भाई, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा साथ नहीं देते, तो भाई बहुत गलत सोच रहे हो तुम। जहाँ तुम्हारी बुराई शुरू होती है ना, तुम्हारी बुराई करने में पूरा पूरा साथ देते हैं। हाँ। देखिए यार बेस्टी, पैसे कमाने के लिए अगर कोई भी काम करना पड़े ना, तो उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। हाँ यार, तू सही कह रही है। अच्छा एक बात बता, अगर मैं तेरे को किडनैप कर लूँ तो तेरे घर वाले मेरे को कितना पैसा दे सकते हैं? Oh no. भाई इंसान की जगह बदलने में ना सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले वो मेरे दिल में रहती थी, और भाई अब ब्लॉक लिस्ट में रहती है। तेरी अदाओं पे मरता हूँ। मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। मेरा लहजा देखने वाले मेरे हालात को देख, और जो तू ले गया वो मेरी किस्मत में ही नहीं था, उस पे इतराने वाले अपनी औकात तो देख। अरे जिन लोगों ने छोड़ दी थी उम्मीद मेरे लिए, उनके दिलों में भी आग जगा दी। वो हंसते थे देख के कपड़े मेरे, मैंने अपने टैलेंट से आग लगा दी। जुदा हो रहे हो पर भूलो मत मैं तुम्हारा था कभी, जुदा हो रहे हो पर भूलो मत मैं तुम्हारा था कभी, तेरी बाहों में हमने भी वक्त गुजारा था कभी, तेरी बाहों में हमने भी वक्त गुजारा था कभी, और आईने के सामने बैठ कर इतना रोया हूँ, आईना भूल गया ये शख्स मुस्कुराया था कभी। नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते नमस्ते। और बेटा तेरी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? अपने काम से काम रख, सिखावत मेरा काम है। अपने काम से काम रख, सिखावत मेरा। देखो कैसी गलत फहमी है एक रिश्ते में, सारी दुनिया पर मैं उसे जीतना चाहता हूँ, मैं हर कीमत चुका सकता हूँ उसकी खुशियों की खातिर, वो सोचती है मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। जब जिंदगी में मुझे सच्चा प्यार मिलना ही नहीं है, तो मुझे इतना प्यारा क्यों बनाया भगवान। और गैर से हंसकर बात कर खूब जलाया हमको, गैर से हंसकर बात कर खूब जलाया हमको, हमें भी किसी का हाथ थाम फिर शैतानी करनी पड़ी। पहले खुद में जाके फिर हम पर उंगली उठाएं, अजी पहले खुद में जाके फिर हम पर उंगली उठाएं, हम मजदूर हैं अपनी मंजिल की इमारत के, कोई यारा गारा हुक्म न चलाए। जब अपने साथ छोड़ देते हैं ना, सफलता के रास्ते ही वहीं से शुरू होते हैं। कि 2 कदम चलकर साथ संग बदल लेते हैं, लोग जिंदगी जीने के ढंग बदल लेते हैं, और यहाँ एतबार करें तो किस पर करें साहब, यहाँ एतबार करें तो किस पर करें साहब, यहाँ तो लोग गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। हमारी गलती है तो चलेगा, तू जानबूझकर रूठा ना हो। कि हमारी गलती है तो चलेगा, तू जानबूझकर रूठा ना हो, ऐसा कोई करीबी नहीं जिसने हमें लूटा ना हो। कि हमारी गलती है तो चलेगा, तू जानबूझकर रूठा ना हो, ऐसा कोई करीबी नहीं जिसने हमें लूटा ना हो, और इल्जाम चाहे 1000 दे मगर एक भी झूठा ना हो। ये सही है। I was born in a poor family and I lived as a loser, but definitely one day I will die
but you know, I will die as a legend. Bro, दिन रात एक करके ये मुकाम पाया है। For your kind information, कोई धोखेबाजी नहीं। मेहनत करके नाम आगे आया। जब आप अच्छे होते हो ना, तो आप लोग नहीं खोते, लोग आपको खोते। कभी औकात चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना, या नहीं तो बाजू से निकलूंगा ना, तो समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी औकात क्या है। ला 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 ला। झूठ भी ईमानदार है हमारा, हकीकत में भी सच्ची बात नहीं है। अजी झूठ भी ईमानदार है अपना, हकीकत में भी सच्ची बात नहीं है तुम्हारी। और पैसा तुमने चाहे जितना मर्जी कमा लिया हो, हमें तो दूर हमारा जूता तक खरीदने की औकात नहीं है। क्या हो गया, किसने मार दिया? अबे ब्रेकअप करके बोलती है तेरे से 36 आते हैं 36 जाते हैं। मैंने बोल दिया भगवान करे तेरा धंधा ऐसे चले। बेटा हमको जो दोगे वही मिलेगा, अब चाहे वो इज्जत हो या धोखा। दोस्तों एक बात पूछूं, मुझे पता है कुछ लोगों को कड़वा लगेगा, पर यार सच है, पबजी वालों को तो सब सपोर्ट करते हैं, पर क्या फ्री फायर वालों को आप सपोर्ट कर सकते हो? अगर हाँ तो यार मेरी प्रोफाइल पर जाओ, वहाँ से आप यूट्यूब पर जाकर यही लास्ट है। नहीं बच्चा सुन ले, पता है इसको मारने का नहीं, नहीं सुन ले मारने का नहीं, इसको ना मार के तेरे को बोया करना है। अभी मेरे को पता नहीं कैसे करना है। नहीं नहीं भाई दे दे दे, ये तो दे रहा है भाई तेरे। नहीं नहीं ग्रेनेड नहीं करना है ब्रदर, ग्रेनेड नहीं करना। अरे फ्लैश बैंक था क्या? चलो सही है, फ्लैश बैंक कर सकते, लेकिन ग्रेनेड नहीं कर सकते। और तुम्हारे पास जो गन है गन से नहीं मार सकते, बाकी तुम इसको एलिमेट करना ठीक है। ये जो है ना प्लेयर न्यू लग रहा है, एकदम न्यू प्लेयर। देखो तो सुनील भाई को मैंने बोला कि ये जो लास्ट एनिमी है, ओ नहीं 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 लास्ट एनिमी को ना मारना नहीं, इसको करना एलिमिनेट। एलिमिनेट करके अगर सुनील भाई बोया करके दिखा तो मानेंगे, ये चैलेंज है सुनील भाई। सुनील भाई नहीं यार, क्या पागलबंदी कर रहे भाई उसके सामने। सुनील भाई यार उसका आगे आगे मत घूम भाई, सीरियसली एक हेड लग जाएगा ना, पूरा बोलती बंद हो जाएगा तेरा भी। और जॉन भी बहुत छोटा आ रहा है भाई, सुन भाई क्या बोया पाएगा, सुन भाई क्या हो सकता है लास्ट। ओ भाई एलिमेट चला गया भाई, वो तो ओपी बोया ब्रदर, एक सब्सक्राइब सुनील भाई के लिए करना ब्रदर, ओपी बोलते। क्या फर्क पड़ता है क्या मसल में कैसे हैं, जिसने जैसी सोच बना ली हम उसके लिए वैसे हैं। माँ और उसकी ममता दोनों में नूर है, के माँ और उसकी ममता दोनों में नूर है, किसी हीर की जरूरत क्या, मेरी तो माँ ही को ही नूर है। मैंने उसे प्रपोज किया, बोली पागल है क्या। मैंने उसे प्रपोज किया, बोली पागल है क्या। मैंने कहा जो मर्जी कह ले, तेरे कदमों के नीचे हूँ, और पागल तो मैं शुरू से हूँ, पहले पढ़ाई के पीछे था अब तेरे पीछे हूँ। मेरा ही नहीं कईयों का प्यार निकली वो, अजी मेरा ही नहीं कईयों का प्यार निकली वो, उसे खरीद कर भी क्या करते, कबाड़े से भी बेकार निकले। स्वागत है उनका जो मेरा रास्ता रोकते हैं, अजीब प्रणाम है उनको जो मेरा रास्ता रोकते हैं, शेर तब भी नहीं रुकता जब सो कुत्ते भौंकते हैं। अंत में एक शेर कहना चाहूंगा कि ये कैसा सितम था उनका, ये कैसा सितम था उनका, कुछ पलों की मोहब्बत के लिए मुझे सालों आजमाया गया। ये कैसा सितम था उनका, कुछ पलों की मोहब्बत के लिए मुझे सालों आजमाया गया, उन्होंने पहले मेरी फांसी मुकर्रर कर दी, अदालत मुझे बाद में ले जाया गया। ओह भाई सच में अमेजिंग गाइस, बहुत ज्यादा जबरदस्त वीडियो थी कसम से, खत्म आ गया। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ओ भाई सच में बहुत ज्यादा मजा आया, मतलब कुछ फनी थी, कुछ थोड़ी सी मोटिवेशन थी, बहुत थोड़ी सी भाई दिल को झलाने वाली थी, है ना, कुछ प्रेमी दीवाने थे, है ना। तो बस क्या ही बताए गाइस, मजा आ गया वाली वीडियो देखकर। अगर आई होप आप लोग को वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना गाइस, ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइस, बाय बाय।